नमस्कार दोस्तों, नई उड़ान चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ प्रकाश सिंह जी हैं जो ऑल इंडिया गेट में 121वीं रैंक हासिल किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से। तो आपको पहले बहुत बहुत बधाई। तो आप बताइए कि मतलब अपने बारे में बताइए कि आप मतलब कैसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कहाँ से आपने पढ़ाई किया, क्या आपके बैकग्राउंड से रहे। सबसे पहले तो बाकी आपको बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया ये बात रखने का। तो मैंने अपना ट्वेल्थ अपने होम टाउन गोविंदगढ़ से ही किया है और उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन सागर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मैं 2018 का पास आउट हूँ। मैंने तब भी गेट की तैयारी की, मैंने कोचिंग ले ली थी तब, बट उस टाइम कॉलेज के साथ मेरा उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। हालांकि मैं क्वालिफाई हुआ था बट उस समय मैं जस्ट क्वालिफाई हुआ था तो मेरा अपने मोटिवेशन उतना रहा नहीं उसमें गेट में। मैं थोड़ा सा पाथ अपने पाथ से डाइवर्ट हो गया था तो मैं टेक्निकल फील्ड छोड़ दी थी टाइम पे। तो उसके बाद मैंने नॉन टेक किया 2 साल के। नॉन टेक की कहाँ से आपने मतलब किया? नॉन टेक की कोचिंग कोचिंग वाइज करी मैंने, भोपाल से कोचिंग करी। बट मैं उस टाइप से मैं पढ़ा नहीं पाया उस टाइम पे, मतलब कि पूरा मोटिवेशन मेरा तो 2 साल में हो तो एक एग्ज़ाम निकला था बट उसको मैंने ज्वाइन नहीं किया। फिर उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना के टाइम मैं घर चला गया और उसके बाद मैंने 1 साल जॉब करी और जॉब के टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कौन से फील्ड में आपने जॉब किया। मैं एनडीटी टेक्नीशियन था मुंबई से, वहाँ एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल मैं जॉब करता था। तो आपने वहाँ पर 1 साल नौकरी की, तो आपने उसको मतलब छोड़ा क्यों? एक्चुअली जब मैं मेरे मन में पहले गेट के लिए था कि मुझे पीएससी से ज्वाइन करने हैं, मेरा पहला सपना था कॉलेज के टाइम से। बट जैसा कि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मैं चाहता था कि जल्द से जल्द जॉब करूँ, तो एक माइंड में मेरा हमेशा चलता रहता है जल्दी से जल्दी जॉब करूँ अपना फाइनेंशियल। ये ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनकी यही है चीज़ें समस्याएं होती हैं। ज़्यादातर लोगों की फैमिली में फाइनेंशियली वो लोग स्ट्रांग नहीं होते हैं, कई फैमिली में होते हैं तो मजबूरी उन लोगों को जॉब करनी पड़ जाती है। तो जैसे मैंने आपके बारे में सुना कि मतलब फैमिली बैकग्राउंड में मतलब जो आपके फादर से वो मतलब एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो आप अभी इंडिया में जो हम लोगों की मतलब है तो उसमें इतनी इनकम है नहीं, तो ऐसा था मेरे साथ। तो मैंने फिर से जब मैं गेट मेरे लिए पहले था तो जब मैंने जॉब ज्वाइन करी तो 1 महीने के लगभग मैंने गेट की अपनी प्रैक्टिस रखी तो मैं मैथ उस समय पढ़ता था। बट उसके बाद क्या जॉब का थोड़ा लोड आ गया ना, तो 12 आवर्स कभी 10 आवर्स जॉब कभी 12 आवर्स, तो मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं रख पाया और समय के साथ हेक्टिक शेड्यूल में समय के साथ जो मैं जिस जॉब पर था तो मैं एक टाइम पर मैंने छोड़ दी थी तैयारी। सोचा था कि इसी जॉब के साथ मैं कंटिन्यू करूँ, इसमें करियर बनाऊँगा। बट जैसे मैं जॉब करता करता मुझे रियलाइज हुआ कि इसमें लॉन्ग टर्म करियर मैं नहीं बना पा रहा हूँ और मैं सेटिस्फाइड नहीं था अपनी उसमें से कि मैं पहले कितना मुझे इसमें एक बार क्वालिफाइड था गेट, तो फिर फैमिली सपोर्ट की वजह से। तो आपकी मतलब रैंक तब कैसी थी ये बता पाएंगे? हाँ बिल्कुल, जो मैं 18 जब क्वालिफाई हुआ तो मेरी 27,000 समथिंग रैंक थी। और उसके बाद अभी यहाँ तक 121वीं रैंक का सफर आप। ये सच्चाई हम लोगों को रखना पड़ेगा मतलब व्यूअर्स के सामने कि हम लोग ये हमेशा सोचते हैं कि जो बच्चा है जो रैंक इसकी ज़्यादा आ रही हो कभी ला ही नहीं सकता कम रैंक मतलब और अच्छे ऊपर आ ही नहीं सकता, मोटिवेशन लूज कर देते हैं। अब देखिए आपके सामने एग्जांपल है कि मतलब इन्होंने कहाँ से शुरू किया, वो हार नहीं माने, वो वहाँ तक अभी पहुँचे। अगर पहले से अगर मान लेते कि मुझसे नहीं होगा तो हो सकता है कि आज वो यहाँ नहीं होते। जी बिल्कुल, जब मैं जॉब के दौरान था तो मेरा कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं था उस समय, मैं क्या कर पाऊँगा कि मेरी जो बहुत लो पेइंग जॉब थी मेरी, बस मतलब कि खर्चा चला प्राइवेट सेक्टर में। यही कि मतलब अपनी क्वालिफिकेशन और जो एबिलिटीज के हिसाब से हम लोग को पे नहीं मिलती, ये एक देखने वाली बात होती है। ठीक है, तो मैं उस टाइम पे था वहाँ पे जॉब पे था, फिर जो मेरे सबसे बड़े सपोर्टर मामा जी और बड़े भैया हैं उन्होंने सपोर्ट किया कि आप में कैपेबिलिटी है, आप में पोटेंशियल, मोटिवेट किया आप जाइए जो भी जरूरत है हम करेंगे। और घर से परमिशन लेकर जो कि बहुत सबसे बड़े सपोर्ट मेरे घर घर वाले हैं, मम्मी पापा हैं, उन्होंने हर वक्त पे मेरा साथ दिया है। जो मेरे भी जो डिसीजन रहे हैं तो उनको मेरे पूरा भरोसा है कि आप जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। उसके बाद मैंने फिर से उसी कोचिंग से तैयारी करी मैंने 1 साल, तो जो 2023 में मैंने दिया था रैंक तो उसमें मेरी 2300 समथिंग रैंक थी, जो कि मेरे लिए काफ़ी बूस्टअप था कि यदि मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ थोड़ी और मेहनत करता हूँ। उसके बाद मैंने 1 साल फिर से 23 वाले जो एग्ज़ाम थे जो बच्चे उसमें बताते हैं कि उसमें पैटर्न काफ़ी सारे
चेंज हो गया था, जैसे आ रहे थे एग्जाम कुछ वैसे नहीं है। 23 का जो पैटर्न था, एग्जाम पैटर्न था, थोड़ा एकदम से चेंज ही हो गया था। तो मैं उस समय जो एग्जाम दिया था मैं थोड़ा ब्लैक आउट हो गया था। तो आप मुझे इसमें बताइए, जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग तैयारी करके जाते हैं और उस हिसाब से हम लोगों को ना क्वेश्चंस मिलते नहीं एग्जाम हॉल में एग्जैक्टली, तो हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन पे आते हैं। तो आपने उस पैनिक सिचुएशन को और मतलब स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया, मैंने कैसे किया? बिल्कुल, जैसे जो मैंने 2023 में जो एग्ज़ाम दिया था, तो हम क्या करते हैं इसमें जनरली पहले से माइंड सेटअप बना के चलते हैं कि हमको इतने मार्क्स अचीव करना है, लाइक 70 मार्क्स अचीव करना है तब मुझे PSU मिलेगी, इतने मार्क्स अचीव करना है। आप मार्क्स मत देखिए, ये पेपर टफ है, सबके लिए टफ होगा, बिल्कुल है ना। तो मेरे साथ उसी टाइम उस टाइम पे यही होगा कि जब मैं स्टार्टिंग के एक घंटे पेपर करके गया, मुझे लगा कुछ नहीं हो रहा, नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा, उसकी वजह से मैंने अपना पूरा पेपर ख़राब कर लिया। बहुत एवरेज स्कोर मैं उसमें कर रहा, फिर मेरी जो पहले की परफॉर्मेंस थी उससे काफ़ी बेटर था। क्योंकि हो जाता है कि हम लोग अपना टाइम जो है ना टफ क्वेश्चन में अपना इन्वेस्ट कर देते हैं और उस चक्कर में क्या होता है जो हमें आते होंगे क्वेश्चन उसमें टाइम नहीं मिलता। आपको क्या करना है कि मैक्सिमाइज करना है स्कोर, आप जितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं उसमें ध्यान दीजिए। पेपर टफ है तो और अच्छी बात, सबके लिए टफ होगा वो, तो आप केवल अपने एग्जाम को मैक्सिमाइज करने में देखिए। ये बिल्कुल मतलब, और आपकी स्टडी शेड्यूल उसके बारे में सब लोगों को बताइए, आपने कैसे अभी रिसेंटली किया फॉलो किया? जो अभी मैं जो 2023 की बात करूँ, जब से मैंने थोड़ा डेडिकेटेड और कंसिस्टेंट होकर मैंने प्रिपरेशन शुरू की है और मैंने इसी को मानता हूँ कि हाँ मैंने इसमें अपना पूरा दिया है 100% जितना मैं हो सकता था। तो जब मैंने 2023 में आया तो कोचिंग स्टार्ट करी, कोचिंग जनरली गेट की 6 hours समथिंग, 3 hours डेली और सैटरडे संडे 6 hours होती है। उसके बाद जो मुझे कोचिंग में जो सर मिले तो काफ़ी सपोर्टिव सर थे, और जो क्या था कि अभी जो मुझे मौका मिला इसमें सर से पर्सनली इंटरेक्ट होने का मौका मिला। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइए, कहीं भी हैं आप, यदि आपको सर लोगों से टीचर से पर्सनली इंटरेक्ट होने का मौका मिलता है तो आपको प्लस एडवांटेज होता है। ये मेरे पर्सनल थॉट्स हैं। आप 100-200 के बैच में बैठिए, यदि आपको नहीं मौका मिलता उतना पर्सनली इंटरेक्ट होने का, फिर वहाँ आपको खुद से इतना सर में मोटिवेटेड होना पड़ेगा कि आप उतना कर पाए। तो यहाँ मेरे लिए प्लस पॉइंट था। तो वहाँ का शेड्यूल था कि 6 hours जो भी था सिलेबस और जो मुझे मिलता था कि जो क्वेश्चन है, मैंने PYQ किया, और एक दो बार 2023 में PYQ किए और जो भी मुझे क्वेश्चन मिलते थे जो क्लास में होते थे मैं पूरा करता था। कहा जाता था ये बताइए कि आपने एक ही कोचिंग से पढ़ाई किया या आपने सेल्फ स्टडी ज़्यादा किया, कोचिंग पे कम ध्यान दिया या कहीं ऑनलाइन और कहीं पर आपने मटेरियल लिया? तो नाम लेने की जरूरत नहीं, हम लोग यहाँ पर किसी की प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हम एग्जैक्टली जानने की कोशिश करें कि एस्पिरेंट्स कैसे तैयारी करता है, जेन्युइनिटी क्या होती है। जी, जब मैं 2018 में तैयार किया था जिस कोचिंग से है ना, उस टाइम पे कुछ क्या था कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड थी तो काफ़ी बूम पे थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते थे उस टाइम पे, 200+ का बैच होता था उस टाइम पे। आपकी कोचिंग कहाँ थी? भोपाल से की मैंने, तो मैंने 4th ईयर का वहाँ कोचिंग करी थी। तो उस टाइम पे बस एवरेज स्टडी चलती थी, क्लासेस और कॉलेज का भी देखना पड़ता था, तो उस समय तो था जो था तो जैसे हो गया। उसके बाद जब 2023 में आया तो एक्चुअली क्या, मैं अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड को भी साथ में लेके चलता हूँ, तो वो जो कोचिंग थी तो एवरेज उस पर एक हिसाब से प्रोवाइड कराती थी, बाकी कोचिंग थोड़ी मेरे लिए कॉस्टली पड़ जाती थी, फिर मुझे भोपाल में रहने का भी एक्सपेंसिस देखने पड़ते है ना। उस हिसाब से मैंने उसी कोचिंग में फिर से जाना समझा कि सर मैं अपना बहुत ज़्यादा 100% दूंगा और जो भी टीचर्स मिलेंगे उनके साथ पर्सनली इंटरेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो मैं उसी कोचिंग में गया, अपने से मतलब काफ़ी यंग एज स्टूडेंट के साथ बैठा, कभी कभी तो हेजिटेट होता था बट मुझे अपना गोल्स दिखते थे कि नहीं कैसे भी करना पड़े मैं करूँगा। मेरे लिए वो उतना कभी कभी लगता नहीं था कि मेरे से 4 साल जूनियर 5 साल जूनियर साथ बैठे हैं और मैं उनके साथ तैयारी कर रहा हूँ बैठ के, बट ये कभी कभी लगता है कि मतलब हम सीनियर हो गए हैं कि हम अब वो जूनियर हैं, कई एज गैप है, वो सोचेंगे कि अभी हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होगी, ऐसा नहीं करना है क्योंकि वो तो होंगे ही। आप जब भी किसी फील्ड पे आते हैं तो आपको कई एज गैप के लोग मिलेंगे, लेकिन गोल सबका सेम रहता है और पहुंची आप वहाँ पर। जी, तो उसके बाद से मैंने अपनी तैयारी ऐसे स्टार्ट करी और 2023 में मेरा इतना अच्छा नहीं था, उसके बाद 2024 में मैंने सेल्फ स्टडी और मैं लाइब्रेरी में जाके, आप लाइब्रेरी जाए ना जाइए आपके पर्सनल डिपेंड करता है, क्योंकि क्या था कि जब मैं कोचिंग जाता था तो मुझे एक मोटिवेशन रहता है कोचिंग में जाकर टाइम स्पेंड करना, उसके बाद जो भी मिलता था टाइम वो होमवर्क करना था। अब आप क्या है कि आप कहना है आपको रूम पे 24 घंटे ना, तो आपको एक जैसा आपको इन्वायरमेंट समझ में आप अपने अपने हिसाब से देखिए, सबका पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि आप लाइब्रेरी जाके पढ़ते हैं कि रूम में पढ़ते हैं। तो आप लाइब्रेरी मतलब कैसे अपने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह वहाँ पर सॉल्व करते थे या कुछ किताबें? वो तो लाइब्रेरी का अलग मैटर, टेस्ट सीरीज की मैं प्रिपरेशन की बात करूँ तो जब 2023 की प्रिपरेशन थी तो मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी,
उस टाइम में मैंने लगभग 15-20 टेस्ट दिए थे ओवरऑल, एक टेस्ट रीट और डे को टेस्ट रीट है ना। उस टाइम पे मेरी परफॉर्मेंस एवरेज मार्क्स 50-55 रहते थे सब में ना। और जो 2024 में मेरी प्रिपरेशन करी तो मैंने लगभग 45 समथिंग टेस्ट दिए, मैंने 45 फुल लेंथ टेस्ट प्लस सब्जेक्ट टेस्ट यूनिट टेस्ट बहुत सारे टेस्ट। आप जैसे एग्जाम हॉल में जैसे टाइम उससे टाइम बना के उसी टाइम में, यदि मैं कभी कभी ऐसा था कि जैसे आफ्टरनून सेशन में गेट का एग्जाम होता है तो आप क्या करिए कि उसी टाइम पे बैठिए, अपने आप को मेंटेन कीजिए कि आप 2-5 मेंटली स्ट्रांग रहे तो उस टाइम पे आपको वन सिटिंग में उतना आवर अपने देने का सिस्टम देंगे तो आपको एग्जाम हॉल में नई फील नहीं होगी। क्या हमें पता है कि इतना बैठना होता है, इतना बैठना होता है वो तो सिटिंग के लिए जब गेट प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन करते टाइम आपको सिटिंग मिल जाता है क्योंकि जो कोचिंग होती है ना वहाँ पे आपको 3 hours बैठना ही पड़ता है। और जो बात है टेस्ट सीरीज की, टेस्ट सीरीज को एनालिसिस करना उतना ही जरूरी है जितना आप देते हैं टेस्ट सीरीज को। आप टेस्ट दीजिए, समय पर अपना सिलेबस कंप्लीट कर दीजिए, फुल लेंथ टेस्ट, यूनिट टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट और टॉपिक टेस्ट आप टेस्ट देते जाइए और उसको एनालाइज करिए आप कहाँ पे गैप हो रहे हैं। प्रीवियस ईयर करना बहुत जरूरी है, उससे आपको एक आइडिया मिलता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप खुली प्रीवियस ईयर पर डिपेंड हो जाइए, आपको परफॉर्म करना है तो आपको टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट देने ही होंगे। थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चंस पे आते हैं क्योंकि मतलब ऐसा होता है कि हम लोग कई बार सिर्फ एकेडमिक चर्चाएं करते हैं और एक एस्पिरेंट्स की जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है उसको हम लोग इग्नोर करके चले जाते हैं या वो है हम लोग छोड़ देते हैं उस पोर्शन को। ये होता है कि आपको कभी मतलब तैयारी करते वक्त डिमोटिवेशन या डिप्रेशन तो ऐसा नहीं कहेंगे, ऐसा कुछ मतलब वो मतलब डिमोटिवेटिव टाइप का आपका फील हुआ आपको? जी बिल्कुल, एक टाइम था जब 2023 का जो मेरा रिजल्ट आया था तो एक टाइम को लगा था कि क्या है कि एक्चुअली जब मैं तैयारी शुरू करने आया था तो मैं तो सोच के आया इस बात तो करके ही जाऊंगा क्योंकि मेरे लिए कोई गो बैक नहीं था। मैं अपनी जॉब छोड़ के आया था और बहुत उम्मीदें लेके आया था तो तैयारी के टाइम जो मैं प्रीवियस करता था जो क्वेश्चन करता था तो अच्छी परफॉर्मेंस रहती थी बट एग्जाम टाइम पे मैं उतना परफॉर्म नहीं कर पाया तो उस टाइम थोड़ा सा डिप्रेसिव था मैं। बट क्या है कि आप जब भी डिप्रेशन में चले तो आप उस पॉइंट को सोचिए जहाँ पे आप अपने लोएस्ट पॉइंट पे थे, आप अभी उस पॉइंट से ऊपर ही बिल्कुल। तो आपने वहाँ से वहाँ तक का सफर किया है। एक बात मैंने सीखी है, मैं कई मेरे कई सारे मित्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं और कुछ का हो भी गया तो मेरे लिए यही है कि जो लगा उसकी मेहनत कभी विफल नहीं होती, बिल्कुल कहीं ना कहीं जाके वो सफल हो गए। और इसी मोटिवेशन लेकर मैं आया तैयारी करने कि मैं लगा रहूंगा, जब तक नहीं होगा मैं जब तक करूंगा। तो देखिए दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम लोग काफ़ी सारा डिमोटिवेटिव फील करते हैं और डिप्रेसिव जो सिम्टम्स बता रहे हैं प्रकाश जी तो ऐसे आते हैं, तो इससे घबराना नहीं है, ये लाइफ ऑफ पार्ट है। तो जिसमें आपको अपने दोस्त की मदद लेनी है, अपने आसपास जो भी लॉकडाउन है जो भी आपके पसंद के हों, मतलब जरूरी नहीं कि आप किसी में जो मैं जिनको बता रहा हूँ उन्हीं से आप मदद लीजिए, लेकिन जरूर बात कीजिए उसको, कभी अपने अंदर दबा के मत रखिए। हो सके तो आपको मतलब अगर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं आपको, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं सब कुछ, तो अपने नियर बाय जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं साइकेट्रिस्ट हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए, सजेशन लीजिए, लेकिन खुद को कभी भी आप परेशानी मत रखिए उसको। जी बिल्कुल, मेरे लिए ऐसा एक सबसे मैं अच्छी बात कहूँगा, आप सबका अलग हो सकता है कि मैं घर पर डेली मम्मी जी ये अच्छी से बात नहीं करता था तो मेरी जो भी परेशानी थी तो मैंने उनको बस कह दिया करता तो उनकी तरफ से तो कभी पढ़ाई लिखाई को लेके कभी वो नहीं था कि वो नहीं था कि जो देखने मतलब सप्ताह तक अपना बच्चा जीता रहे खाता रहे पढ़ता रहे जो कर रहा अच्छा कर रहा। आजकल के जो कॉम्पिटिटिव फैमिली में कई बार देखा जाता है कि घर से काफी प्रेशराइज करते हैं आपको, मेंटली आपको इतना परेशान कर देंगे, वो डिमांड करते हैं कि हमें करना है। मतलब मेरे पेरेंट्स ने हमेशा ऐसा जताया कि आप यदि फेलियर भी होते तब भी हम आपके साथ हैं, उतना ही साथ है जितना आप हैं, तो मेरे लिए सबसे सपोर्टिव। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब जो भी पेरेंट्स इस वीडियो में अगर देख रहे हैं तो वो आप लोग भी अपने बच्चे को मोटिवेट कीजिए, क्योंकि जो बच्चा तैयारी कर रहा होता है ना खुद भी बहुत परेशानी होता है, वो भी नहीं चाहते कि मैं फेलियर मतलब उसको मतलब फेलियर फेल हो जाऊंगा। जो भी तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके सबके लिए तैयारी कर, आप अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चे तो मतलब वो काफी टूट जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। और ये होता है कि मतलब जैसे अभी सोशल मीडिया का एडिक्शन है और हर चीज आजकल मोबाइल पे, तो आपने उसको कैसे हैंडल किया जो ऐसे इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप और भी कई सारे चैट्स वगैरह आ गए जो हमारे यंग नौजवान को पता ज्यादा अच्छे से, तो उसको आपने कैसे हैंडल किया? देखिए इसमें सबका अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है कि कोई खुद को फोकस कैसे रख पाता है। एक होता है कि आप डिस्ट्रैक्शन के बीच में रहकर आप अपनी पढ़ाई को फोकस करिए, सबको आप एक टाइम स्लॉट दीजिए कि मैं इतने टाइम पर स्क्रीन टाइम दूंगा, है ना। और मेरे साथ क्या था कि मैं
दोनों जनरेशन से हो। हम कोरोना के पहले तक हम पूरा हम लोगों का स्टेज कोई है ऑफलाइन चलती थी, कोरोना के बाद से बहुत सारे इवेंट्स ऑनलाइन हो गए स्क्रीन टाइम हो गया, इसीलिए मैं जो कोचिंग प्रेफर करी थी इस बार भी ऑफलाइन करी क्योंकि मैं उस हिसाब से हूँ स्क्रीन में ज़्यादा पढ़ाई करना मेरे जो चीज मैं नहीं कर पाता हूँ ना, ठीक है। तो हालांकि जो सोशल मीडिया तो मैं केवल व्हाट्सअप यूज़ करता था अपनी उसके स्टडी के दौरान और बाकी सोशल मीडिया से मैं दूर ही रहा हूँ अपनी चढ़ाई के दौरान। और एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि जो मैं 2018 का पास आउट हूँ उसके बाद मैं पता नहीं शायद एडिक्शन था क्या था बट मैं गेम्स ज़्यादा खेलता था कई सारे गेम्स तो उस टाइम पर मैंने उसको ज़्यादा ध्यान दिया, इसलिए उस टाइम पे मैं मेरा जो ये जो गैप है तो मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ से दूर रहने दिया, आप नहीं चाहते कि मेरे जितना गैप हो आपका तो आप जब तक सफल ना हो जाए जब तक आप ना हो तो इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। इसीलिए देखिए जो दूसरों की गलती से या दूसरे ने कहाँ पर क्या किया उसने जो एक्सपीरियंस किया उससे आपको सीखना है, इसलिए आपको गलती ना दोहराएं जिससे आपको नुकसान हो ये सामने वाले जिससे हुआ। जी बिल्कुल, तो इस बार भी जब मैं आया तो गेम से तो दूर ही रहा, हाँ कभी कभार हो गया तो दोस्तों के साथ ही तो मैच हो क्या रिफ्रेशिंग के लिए, बट आपको खुद को कंट्रोल में डिसिप्लिन में रहना है, सेल्फ डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है, आप इतने बड़े हो गए तो आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो कोई आपको मतलब कैसे समझाएगा आप अगर नहीं चाहेंगे। बिल्कुल, तो आपको खुद को अपने फिजिकल मेंटेनेंस भी अपने रखनी है, फिजिकली फिट भी रहना और मेंटली फिट भी रहना, उसके लिए आप देख लीजिए मेरा जो शेड्यूल था फिजिकली फिट रहने के लिए मैं थोड़ी बहुत सुबह एक्सरसाइज करता था और मेंटली फिट के लिए फ्रेंड्स हो गए और माता पिता हो गए है ना, रिलेटिव्स हो गए मामा जी हो गए मुझे उनसे रेगुलर बात करता रहता था, अपनी जो परेशानी हुई कुछ भी हुई तो उनसे शेयर करता रहता था, तो मैं पूरी स्टडी के दौरान अपने आप को मोटिवेटेड रखता था कि मैं कर सकता हूँ। और मैं जो शेड्यूल था जो मतलब मेरे जो मुझे बाहर रह के मैं तैयारी किया हूँ तो खुद से ही मेरा सब कुछ मैं अपना मेंटेनेंस करता था, खाना पीना वगैरह हो गया। वो मतलब आप खाना खुद बनाते थे? हाँ जी। आप बताइए देखिए इतनी तैयारी इतनी मतलब हेक्टिक शेड्यूल के बाद भी अगर कोई खुद से खाना बना के करना पड़ा था फाइनेंशियली दिक्कतें या जो भी है तो अगर ये कर सकते हैं तो हम लोग आप लोग क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं आप, कभी भी निराश मत होइए। चलिए आप बताइए। मतलब मेरा शेड्यूल ऐसा था कि सुबह अब जैसे बहुत लोगों का रहता है, मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि टाइम टेबल बनाते हैं, हाँ बिल्कुल बनाइए टाइम टेबल, यदि आप भूलते हैं तो बनाइए टाइम टेबल, एक टाइम ऐसा होता है ना कि आप उस टाइम से बढ़ जाते हैं आपको टाइम टेबल जरूरत है, हैबिट फिर फॉर्म हो जाता है, आपको फिर सोचना नहीं पड़ता इसके बाद ही करना है, सबका अपना अपना है, कोई टाइम टेबल बना के करता है। मेरे साथ ऐसा था कि मुझे बस ये था कि मुझे ये करना है, मेरा काम जैसे पढ़ना है कितना पढ़ना है, हो सकता है आपका भी आधे घंटे लेट होती है रेगुलर शेड्यूल से, ऐसा नहीं कि आप लेट होते तो आपका पूरा दिन जाएगा। गुड, वेरी गुड। ये कई लोग सोचते हैं कि अगर आज मैं लेट हो गया तो पूरा दिन मेरा खराब हो गया, नहीं आप शुरू कर दीजिए वहीं से शुरू कीजिए, तो जब जाओ तभी सवेरे उठो, मतलब यही है कि मैं ऐसा था कि आज 7 बजे डेली उठता हूँ 8 बजे उठ गया तो कोई दिक्कत नहीं मेरे लिए, मैं तब से स्टार्ट करता हूं। यही नेचुरल है कि आप रेगुलर आप तो रोबोट है नहीं कि आप एग्जैक्टली 7 बजे होंगे, कई बार आपको शाम कुछ काम रहना पड़ेगा, कहीं आप गए तो वहाँ पर आप देर हो गए, तो वो मतलब वो अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, उसको ही आप उसको मैनेज करते हुए अडेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है हम लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, आपने अपना मतलब समय दिया हम लोगों को, तो हम लोग अपने पहले बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि मतलब जब आप पढ़ाई करते हैं और उसके साथ ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे गेट उनका फोकस है, आप बिल्कुल गेट दीजिए, गेट एग्जाम दीजिए, प्लस पैरेलली में जो भी पीएससी उसके एग्जाम होते हैं साथ साथ आप उनको भी दीजिए, जैसे एक एसएससी जेई होता है एग्जाम होता है, जेई लेवल के एग्जाम होते हैं, ए लेवल के एग्जाम होते हैं, पीएससी उसके एग्जाम होते हैं, आप मत पढ़िए उसको अलग से, बट आप गेट के साथ जो सिलेबस उसका मैच हो रहा है एक बार जरूर देख के जाइए। बिल्कुल, तो मैं जैसे था कि जब 23 में एग्जाम दिया था, मैंने सबसे पहले एमपीपीएससी एक एग्जाम दिया था, मैं 2-3 सब्जेक्ट पढ़ के गया, बट मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंस आया क्योंकि मैं जो सब्जेक्ट पढ़ के गया था वहाँ से मैंने लगभग 95% क्वेश्चन बनाए, सिक्योर किए वहाँ से, तो मेरे को कॉन्फिडेंस था मैं सारे सब्जेक्ट क्लियर कर लेता हूँ, अगर पढ़ लेता हूँ तो मैं बिल्कुल कर दूंगा। तो उसके मामले में मैं और ऐड करना चाहता हूँ, 2023 में मैंने बस बार्क का इंटरव्यू, हाँ ये तो मतलब ये तो बहुत अच्छे अचीवमेंट्स आपने बार्क और कई सारे अपने अचीवमेंट्स मतलब की आप बता रहे थे, उसके बारे में बताइए थोड़ा। 2023 का मैंने रिटर्न क्लियर किया था बार्क का, गेट के स्कोर पे तो कॉल नहीं आया था किलो था, तो मैंने बार्क का इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ तो मैं फाइनल तो नहीं कर पाया मैं उसमें, पर 2024 मैंने और भी कई सारे एग्जाम दिए, तो मैंने एसएससी जेई का उसमें मेंस लिखा था, उसमें कुछ नंबर मेरा रहेगा, बट उसके बाद जैसे मेरा बीईएल हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, एचपीसीएल, ये सारे एग्जाम्स मैंने क्लियर किए हैं,
और जिनका कुछ का अभी इंटरव्यू आना बाकी है, और फिर से मैंने बात की का भी मैंने क्लियर किया है और सब कुछ सही है। शुभकामना रहेगी, आप उसको क्वालिफाई करें और आप अपना पसंदीदा जॉब को पाएं। जी धन्यवाद। चलिए प्रकाश जी को हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमें इतना समय देने के लिए। आप सबको भी धन्यवाद, आपने यहाँ तक देखा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें और ऐसे ही वीडियो को मतलब आगे और पाने के लिए सब्सक्राइब करें, इसलिए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए अपलोड करते ही। और धन्यवाद। आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो आप बिल्कुल प्लीज कमेंट करिए। आप कमेंट करिए, मैं प्रकाश से आपका जो कमेंट है कन्वे कर दूंगा।